नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगी राष्ट्रपति, राज्यपाल, चीफ जस्टिस और सीएम होंगे कार्यक्रम में मौजूद। 9 मंजिला होगा नया भवन। हाई कोर्ट की नई एनेक्सी बिल्डिंग का शिलान्यास करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम जबलपुर आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 460 करोड़ रुपए की लागत से बन रही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। वर्चुअली कार्यक्रम ट्रिपल ITDM के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। यहीं से राष्ट्रपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एनेक्सी बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, चीफ जस्टिस रवि मलिमठ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट के कई जस्टिस भी शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति के जबलपुर आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार दोपहर 2:55 बजे इंदौर से भारतीय वायुसेना के विमान से शाम 4 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगी। यहां से वह सीधे IIITDM जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ट्रिपल ITDM के ऑडिटोरियम में आयोजित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एनेक्सी भवन के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगी और इसके बाद वह शाम 5:50 बजे डुमना एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के विमान से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति के एक घंटे के कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी उपस्थित रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।